हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम 8 अप्रैल 2020 के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, सारी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स और वेरियस जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपकी, सबके लिए हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में कोर्सेज आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और दिए गए नंबरों पर जो डिस्क्रिप्शन में है उन पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, अ स्क्रिप्ट ऑफ एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन, रिटन बाय अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ये लिख रहा है कि किस तरीके से एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैशन के तहत हमने इस कोविड पेंडेमिक को जो है राजस्थान में इतना बड़ा बनने से, भयानक रूप लेने से रोका। ये लिख रहे हैं, एज आई राइट दिस पीस, जब मैं ये चीज़ लिखता हूँ, नोवल कोरोना वायरस अब तक 5,200 लोगों को इफेक्ट कर चुका है पूरे देश भर में। करीब 165 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है, 400 पेशेंट्स अभी तक रिकवर हो चुके हैं। इसका सीधा सीधा शुक्रिया हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और जो प्रशासनीय जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, उनको जाना चाहिए। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि हर अपॉर्चुनिटी में एक क्राइसिस होता है, और जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी भी कई बार जो है ऐसे इंटरनेशनल क्राइसिस में कहते रहते हैं कि इन एवरी क्लैश देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो इनके कहने का मतलब ये होता है कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, और कोविड 19 में आपको एक अपॉर्चुनिटी तो दिख रही होगी। इन्वायरमेंट तो दिख ही रहा होगा, साथ ही साथ हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगा। और सबसे बेहतर चीज़ जो मुझे वास्तव में पर्सनली बहुत खुशी देती है वो है कोऑपरेटिव सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। आपको पता है हमारे देश में राजनीति किस हद तक पहुँच चुकी थी। एक राज्य सरकार दूसरे राज्य से इसलिए बात नहीं करती थी क्योंकि वो अलग पार्टी से थी। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, यूथ, इन सब पे कोई बात नहीं होती थी आपस में। सेंटर स्टेट्स के साथ कोऑपरेशन ढंग से करके चलता नहीं था, लेकिन स्टेट्स भी जो है आपस में लड़ते रहते थे, चाहे इंटर स्टेट रिवर का मामला हो चाहे कुछ भी मामला हो। लेकिन पेंडेमिक जो आया, इसने एक मजबूरी प्रदान की। मजबूरी ये दी कि हर राज्य को मिलकर सेंटर के साथ काम करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो खुद नुकसान भुगतोगे। तो हेल्थ केयर तो मैनेजमेंट बढ़ा, साथ ही साथ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप बढ़ी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले कठिन समय में जब क्लाइमेट चेंज जैसे भयानक प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी, तब इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम साथ में रहते हैं तो सब कुछ जो है आसान हो जाता है। टू बिल्ड है हेल्थ केयर नेटवर्क बढ़ाने में हमने जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की मदद ली। PPE अवेलेबल हमने जो है करवाई सारे प्रैक्टिशनर्स को। अब जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये ना केवल कोविड 19 में हेल्प करेगा बल्कि आने वाली जो सभी बीमारियां हैं जो आने वाले जो दशक में आ सकती हैं उनमें भी हमारी हेल्प करेगा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है कह रहे हैं कि 2009-2010 में जब स्वाइन फ्लू आया था तब हमने इस तरह की पैथोलॉजी लेबोरेटरीज ओपन की थी, और आज ये लेबोरेटरीज इसी समय बढ़ती जा रही है बिना किसी समय गंवाए। ये कह रहे हैं राजस्थान फाइट्स बैक। देखो, राजस्थान में जो कोविड कोरोना कंटेनमेंट प्रोग्राम है काफ़ी इंटेंस और प्रोएक्टिव है, और देखा गया कि जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने खुद ने मल्टीपल मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की जो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो चिंता है उनको काफ़ी हो रही है। सबसे पहला जो सेंटर चुना गया वो एक नोडल सेंटर की अगर मैं बात करूं तो जो बहुत फेमस भी है वो है जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज, जो कि कंटेनमेंट प्रोग्राम के लिए नोडल सेंटर था। 1200 बेड इसमें लाए गए एडुकेट डिस्टेंसिंग के साथ, ऐसा नहीं मिला दिए एक साथ 1200 बेड एक साथ जोड़ दिए, उससे तो वायरस फैल जाएगा। डिस्टेंस रखें और PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की सप्लाई भी रही। 500 वेंटिलेटर बेड से लाए, 3,000 तक ये कर दिए गए हैं। 7,000 केसेस टेस्ट किए, इनमें जैसे 200 पॉजिटिव हैं और 4 जो है डेथ हुई है, बाकी जो है वो रिकवर हो चुके हैं। तो 200 जो है वो एक्टिव है, पॉजिटिव हैं, बाकी जो आए वो रिकवर हो चुके हैं, रिकवरी के प्रोसेस में है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखो, आपको पता है द हिंदू में अब धीरे धीरे सारे चीफ मिनिस्टर्स के एडिटोरियल्स आ रहे हैं, पहले केरला के, तमिलनाडु के, फिर कर्नाटक के, अब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का एडिटोरियल है, तो ये पढ़ते हैं। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो अपनाया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा SMS मेडिकल कॉलेज में, वो 3 इटालियन पेशेंट्स को उसने ठीक किया, और मोर्टलिटी अभी भी उस हॉस्पिटल में नहीं आई है। रैपिड रिस्पॉन्स टीम, कोविड 19 की वजह से मोर्टलिटी नहीं हुई, उसकी वजह से कोविड 19 की वजह से कोई मौत नहीं हुई। रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी जो है मॉनिटरिंग कर रही है सारे हॉटस्पॉट को, जो हॉटस्पॉट जहाँ जहाँ है कॉन्टैक्ट ट्रेस किया जा रहा है, क्लस्टर जोन्स को आइसोलेट किया जा रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे केसेस एकदम से उभर के आए हैं उनको अलग कर दो, वहाँ पे लॉकडाउन हटने की बात तो
करो ही मत, डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है। भीलवाड़ा जो आपने न्यूज़ में सुना होगा, किसी तरीके से जो इटालियन टूरिस्ट आ गए थे और घूम फिर रहे थे, इन्होंने कोविड 19 जो है, पता नहीं शायद इटालियन थे कहाँ के थे, लेकिन वो घूम रहे थे, टूरिस्ट वगैरह की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इन्होंने भीलवाड़ा जो जिला है उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में कोविड 19 के केसेस बढ़ा दिए थे, और ये इनका पहला चैलेंज बन गया था मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि ये जानते थे कि भीलवाड़ा से पूरे राजस्थान में फैल सकता है, और वायरस जिस तरीके से फैलता है, असिम्प्टिक इन्फेक्शन जो ये फैलाता है वो काफ़ी दिख रहा था कि आपको खांसी जुकाम नहीं भी हो और आपको पता भी नहीं चले कोविड 19 है, लेकिन फिर भी हो जाता है। और कई केसेस में देखा गया कि डॉक्टर्स जो हैं वही इन्फेक्शन फैला रहे थे, क्योंकि अब क्या करें, डॉक्टर्स तो इलाज करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स को भी इन्फेक्शन हो चुका था, केसेज जो है बढ़ते जा रहे थे, कठिन हो चुका था स्प्रेड को रोकना, लेकिन एक फर्म अप्रोच, अनकम्प्रोमाइजिंग, किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए लॉकडाउन किया गया जिले में, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है अपनाई गई। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स, इनको याद रखा करो, आपके मेंस के आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जब भी आपको कोई मेंस का आंसर लिखना हो और आपको हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या कहीं भी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए, तो ये प्रोसीजर जब भी बात आए तो इस तरह के कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने ट्रिपल टी मेथड का इस्तेमाल किया, ट्रेसिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट, टेस्टिंग ट्रीटमेंट, पहले ट्रेस करो, उसका टेस्ट करो, फिर ट्रीटमेंट करो। क्वारंटाइन का अच्छे तरीके से पालन किया गया, 32 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की, और कोविड 19 जो भीलवाड़ा में भयानक रूप से फैल रहा था उसको रोका गया। ये प्रोसीजर पूरे राजस्थान में फैलाया जा रहा है, जहाँ पे 5 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग कर चुके हैं। रूथलेस कंटेनमेंट चाबी है इसको रोकने की, इस पैंडेमिक को रोकने की, रोक दिया गया। भीलवाड़ा से रामगंज एक जगह है जयपुर में, वहाँ पे ये राजस्थान में जहाँ फैलता गया, और यहाँ पे डेंसली लोकेटेड ये सिटी है, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी मुश्किल हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में भेजा गया, क्योंकि ज़रूरत थी, उनको ये बताया गया कि यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप अलग थलग रहें, सेपरेटली रहें। कर्फ्यू भी कई जगह लगाया गया, रामगंज इंक्लूडिंग, कई शहरों में जहाँ क्लस्टर्स आए थे, जैसे रामगंज हो गया, भीलवाड़ा आ गया, वहाँ पे तो लगाए थे। 38 अर्बन टाउन्स और सिटीज़ में भी कर्फ्यू लगाया गया था, और ये चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं काफ़ी प्राउड हूँ कि हमने मोटो दिया, राजस्थान सतर्क है या फिर कोई भूखा नहीं रहेगा, ये सब इन्होंने कहा। अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इन मोटो को दिल पे ले लिया, और इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी इन कम्युनिकेशन दिखाई, जो क्राइसिस को डील करने में काफ़ी हेल्प किया, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इमरजेंसी वर्करूम बनाया गया, जिसमें सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को रखा गया, मल्टीपल डिपार्टमेंट से वो थे। स्टेट लेवल फॉर राउंड क्लॉक मॉनिटरिंग होती रही, हर जिले में ये सिस्टम रखा गया। राजस्थान ने 1 लाख बेड जो है क्वारंटाइन के लिए रखे गए, अगर जरूरत पड़ती है तो। मेडिकल स्टाफ को जो है पैसा दिया जा रहा है, उनकी सर्विसेज एक्सटेंड की जा रही है। कॉल सेंटर भी बनाए गए, 18,000 कॉल्स जिनमें आ चुकी हैं उनको सॉल्व किया गया है। एडिशनल हेल्पलाइंस भी लाई गई हैं। बेटर प्लानिंग, सिंक्रोनाइज्ड सेंटर स्टेट एक्शन, आपको पता है राजस्थान में कांग्रेस की जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और सेंटर में आपको पता है बीजेपी के, फिर भी सेंटर स्टेट एक्शन जिस तरीके से मिलजुल के हो रहा है, काफ़ी देश के लिए अच्छी बात है कि इस मुसीबत के समय राजनीति को दरकिनार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स के साथ जो हुआ वो देश भर में एक दुख की बात थी, लेकिन आप देखोगे राजस्थान ने इस चैलेंज को काफ़ी अच्छे तरीके से रोका, क्योंकि राजस्थान में आप देखोगे कई राज्यों से जो है वर्कर्स आते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने फूड की, रहने की, स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई, टेस्ट भी चल रहा था, खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, उनको कोई दिक्कत आने नहीं थी, तो वो राजस्थान छोड़ के गए नहीं। तो जो क्राइसिस दिल्ली में निकल के आया, यूपी में निकल के आया, महाराष्ट्र में निकल के आया, वो क्राइसिस जो है राजस्थान में निकल के आया ही नहीं, क्योंकि उनके खाने की कुक्ड फूड, पका हुआ खाना दिया गया स्ट्रीट वेंडर्स और को दिया गया, नीडी पीपल उनको दिया गया, जो कि NFSA के अंडर कवर नहीं होते, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होते। अब एक बार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को आप जरूर देख लेना, इसमें क्या क्या है, क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है। 2 लाख जो 2 लाख पैकेट ऑफ कुक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूट किए गए जयपुर में, जो कि राजधानी है राजस्थान की, कुक्ड फूड के 2 लाख पैकेट कुक्ड फूड। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, मैं कुक्ड फूड को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, ऐसे समय में कई बार देखा जाता है कि खाने में जो है भयानक समस्या आती है, क्योंकि देखा जाता है खाना जो है सही नहीं होता, और खाना डिस्ट्रीब्यूट जो वर्कर्स को या फिर गरीब लोगों को किया जाता है, उससे भी वायरस फैलने की संभावनाएँ होती हैं। राजस्थान ने 2500 करोड़ का वीकर सेक्शन के लिए पैकेज दिया, 2500 करोड़ की ग्रांट्स भी दी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये सब इन्होंने किया। इन्होंने जो खाना वाना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया, इन्होंने हर पंचायत में जो है खाना वाना बंटवा दिया, पटवारी वगैरह सब खाना वाना ये देखता है, ठीक है। और इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन 8,000 करोड़ का ये दिया जा रहा है,
खरीफ 2000 फसल जो आएगी खरीफ की 8000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री बिना ब्याज के 20 लाख फार्मर्स को हेल्प करेगा। जीएसटी का रिलेक्शन 2020 जून 2020 तक दे दिया गया है, अप्रैल मई जून, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का पैकेज एक अच्छा स्टेप है ये लिख रहे हैं, लेकिन एडिशनल फंड भी आने चाहिए। प्रायोरिटी हमेशा ये रहनी चाहिए कि जितनी जो कोविड 19 जिन स्टेट्स में जहाँ जहाँ जितनी तेज़ी से फैल रहा है उस हिसाब से पैसा और समय वहाँ लगाया जाए, साथ ही साथ बाकी पूरे देश को आइसोलेशन में रखना ही है, ठीक है। औरों को भी एड देनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि सारी जो है एक जगह ही दे दो, इक्विटेबल बराबर तरीके से सबको बांटना चाहिए। जहाँ पे इतना वायरस नहीं फैल रहा, लेकिन जहाँ पे फैल रहा है, जो क्लस्टर है, जो हॉटस्पॉट है, जहाँ पे भयानक रूप ले चुका है, वहाँ पे ये ज़्यादा पार्टिसिपेशन सरकार का रहना पड़ेगा। सब कुछ जो है जल्दी से जल्दी तेज़ी से बिना टाइम गवाए बांटना पड़ेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन जरूरी है, गुड्स और सर्विसेज पे भी काउंसिल जो बात हो रही है वो भी होना जरूरी है, स्टैंडर्ड्स भी जो है बनने चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि इसेंशियल कमोडिटीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो सके। अब देखो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है, भारत में इतना खाने की व्यवस्था है कि एक भी आदमी भूखा नहीं रह सकता, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था वो थोड़ी गड़बड़ा गई है। दूध लेके ट्रक जाता तो है, सामान लेके ट्रक जाता तो है, जब उसको वहाँ पुलिस वाले रोकते नहीं है क्योंकि उसमें खाने की पीने की सामान है, लेकिन जब वो खाली करके वापस आता है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि भैया खाली क्यों है, कैसे विश्वास करें कि आप सामान लेके जाओगे, एसेंशियल फूड ही लेके जाओगे, कुछ लेके नहीं जा रहे, तो ट्रक वाला कैसे कन्विंस करेगा। सारी दिक्कतें आ रही हैं, एक स्टडी है आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन हो रही है उसको सोल्व करना पड़ेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन हमको लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये सब कुछ अवेलेबल करवाना पड़ेगा, मेडिकल इक्विपमेंट सही रहे, जैसे वेंटिलेटर्स, पीपी किट्स अवेलेबल रहे हर राज्य सरकार के पास, ऐसा नहीं हो कि हर राज्य सरकार को इधर उधर भागना पड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास या सप्लायर्स के पास। भारत सरकार को यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, फैसिलिट करना पड़ेगा, पीपी किट्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेंट्रल जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको ये सब कुछ ईजी करना पड़ेगा ताकि प्राइसिंग भी सही से हो, स्टैंडर्डाइजेशन भी सही से हो, ऐसा नहीं है घटिया क्वालिटी की महंगी प्राइस में सामान आ रहा है। ये सब स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र की जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं आई वुड लाइक टू बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड बी डिफरेंट प्लेस वंस द पेंडेमिक ओवर, पेंडेमिक एक बार ओवर हो जाता है तो दुनिया एक अलग ही जगह होगी, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा। मुझे ये आशा है कि हम लोग समझेंगे कि लोग जिस तरीके से आगे आते हैं जिंदगियां बचाने में, वो धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, जिंदगियां वो बचाते हैं जैसे डॉक्टर वगैरह। लेकिन देखा गया कई जगह जो है, अभी राजस्थान की पता नहीं कहाँ की केस की बात है कि एक डॉक्टर ने एक महिला जो प्रेग्नेंट थी उनको उनकी बेबी को डिलीवरी करने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि मुस्लिम थी। तो इस जगह ये ऐसी जो चीज़ें होती है देश पे बहुत बड़ा धब्बा होती है, तो जान बचाने वाले कभी भी जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, लेकिन जो हेल्थ वर्कर्स पे जो हमला हो रहा है वो भी निंदनीय है। तो कमिटमेंट जो हो रही है ड्यूटी और सोसाइटी के टूवर्ड्स, ये ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे नेशन बिल्डिंग में। अब नेशन बिल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये आज एक साल, दो साल, तीन साल में नहीं दिखती, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब ये चीज़ें दिखेगी कि आज जब रिश्ते मजबूत हो रहे हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में, कास्ट ऊपर अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ नहीं है, सब मिलजुल के इस चीज़ को जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग गरीबों में खाना बांट रहे हैं, ये नेशन को हमारे बना रहा है। और इससे बेस्ट एग्जाम्पल हमको नहीं दिखेंगे जब कंपैशन और ह्यूमैनिटी दिखाई जा रही है। हम एक देश में रहते हैं जिस देश में हेरिटेज रिचेस्ट है, कल्चर रिचेस्ट है, एथनिसिटी रिचेस्ट है, डेमोग्राफी रिचेस्ट है, हम डाइवर्सिटी पे जीते हैं। तो इसलिए हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए। कोविड-19 क्राइसिस बढ़े, और अगर कोविड-19 क्राइसिस मिट भी जाता है लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो और गंदी हो जाए, हमको खुद को बेहतर इंसान बनाना सिखाना है। मैं तारीफ करता हूँ अशोक गहलोत जी की, जिन्होंने इतना बेहतर आर्टिकल इन्होंने लिखा, सारे राज्य को इनसे सबक जो है लेनी चाहिए। टेकिंग अ लॉन्ग व्यू ऑफ द पेंडेमिक फाइट, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जिट, ओवरऑल रिलैक्शन ऑफ लॉकडाउन नीड्स मासिव टेस्टिंग सपोर्ट फॉर इन्फेक्शन क्लस्टर्स। एग्जिट की बात हो रही है, एग्जिट होगा, लेकिन लॉकडाउन का ओवरऑल रिलैक्शन कर रहे हो आप तो मासिव टेस्टिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, इन्फेक्शन जहां हो रहे हैं वहां भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं सब कुछ रोक दोगे। दुनिया हमको देख रही है, भारत को ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी जो हमारा एग्जिट होगा कैलिब्रेटेड हो, प्लान्ड हो। हर अब 15 तारीख आने वाली है तो हमको फटाफट डिसीजन लेना पड़ेगा सरकार को, लेकिन प्लानिंग के साथ। वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए मजदूरों वाली,
एग्रेसिव लॉकडाउन के साथ जो हमने शुरुआत की इसकी, अब वायरस को हम कंटेन करते नज़र आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि वायरस धीरे धीरे कर्व हमारी फ्लैट होती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट देखा जा रहा है कि कल से आधे केसेस 24 घंटे में आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अभी भी चैलेंज यहाँ पे झेलना पड़ेगा कि डेली लाइफ को नॉर्मल कैसे किया जाए और इकोनॉमी को कैसे वापस दौड़ाया जाए, लेकिन गलत कदमों में ये ना पड़े, गलत चीज़ें ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है और ये ज़रूरी भी है और स्वागतनीय योग्य भी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे राज्यों के साथ मिलके इस 21 डे लॉकडाउन पे बातचीत की, इन्होंने मंत्रियों के साथ बातचीत की कि क्या क्या हमको करना चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कैसे होना चाहिए, धंधे व्यवसाय व्यापारी किस तरीके से अपना काम चालू रख पाए, ये सब किस तरीके से हो। इस स्ट्रेटेजी में ये भी देखना पड़ेगा कि माइग्रेंट जो लेबर है वो सिटीज़ से होम की तरफ जब जाएंगे, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, या फिर जो कैंप में ये बसे हुए जब होम की तरफ जाएंगे तो किस तरीके से इन्हें रोका जाए, किस तरीके से इन्हें सेटल किया जाए, टेस्टिंग की जाए। हार्वेस्ट सीजन भी आने वाला है, लेबर नहीं होगा तो फसलें कैसी कटेंगी, फसलें नहीं कटेंगी या अगर टाइम लग जाएगा तो महंगी हो जाएंगी, हाई प्राइसेस हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और गरीबों को उल्टी मार झेलनी पड़ेगी। तो ये सब देखना पड़ेगा कि लेबर्स भी फटाफट जो है खेतों में पहुँच जाए। स्टेट्स सारे आइसोलेशन को, क्वारंटाइन को मेंटेन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कॉन्टेक्ट को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। निजामुद्दीन जो वाला मामला आया था उसमें भी कई लोगों की पहचान की जा रही है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जो क्लस्टर्स बने हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। अब राज्यों को एक सलाह दे रहे हैं कि ICMR की भी एडवाइजरी आ रही है कि टेस्टिंग जो है बढ़ी जाए, माइग्रेंट सेंटर्स जो है वो बढ़े, माइग्रेशन सेंटर्स भाई मजदूर इधर से उधर जा रहे हैं तो बीच में रुके खाने पीने के लिए, ताकि सरकार पे बोझ ना पड़े एकदम से किसी राज्य पे, तो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी, मजदूरों को भी चिंता करनी पड़ेगी। ये सब देखते हुए सारे स्टेट्स सतर्क है, कॉशियस है, लेकिन तेलंगाना छत्तीसगढ़ ने शक किया है कि एग्जिट इस तरीके से ना हो जिसमें क्लियर प्लान ना हो, तो प्लान पहले बनाया जाए। विड्रॉल का जो रिस्क है, आप लॉकडाउन विड्रॉ कर लोगे, क्यों करोगे, क्योंकि GDP गिर रही है, इकोनॉमी को नुकसान पहुँच सकता है, हेल्थ पेंडेमिक रुक जाएगा लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस को सोल्व करने में टाइम लग जाएगा, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिस राजा की प्रायोरिटी नहीं होती उसकी प्रजा खुश नहीं रह सकती, प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर का अनुभव देखो, कैसे इन्होंने फटाफट लॉकडाउन हटा के बिजनेस एक्टिविटी चालू करवा दी, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, कैसे कैसे बिजनेस स्टार्ट किए इन्होंने, कैसे मूवमेंट जो रोके इन्होंने फिर स्टार्ट करवाए। कंट्रीज़ जो टेस्टिंग कर रही हैं, आइसोलेशन कर रही हैं, ये सबसे ये सीखें, भारत सीखें किस तरीके से उन्होंने बिजनेस को खोलना शुरू किया लॉकडाउन के 3 सप्ताह बाद, जहाँ पे आज हमारे 284 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हो गए हैं। एक सिस्टम आना चाहिए टेस्टिंग का जिसमें ना केवल इंडिक्टिव केसेस आएंगे बल्कि स्प्रेड कितना बड़ा, भाई कोई केस आ गया देख लिए, टेस्ट कर लिए, लेकिन अब कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में कितना ये बढ़ सकता है, पूरी तरीके से इरिगेट कैसे करना होगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए हमको टारगेटिंग करनी पड़ेगी, कंटेनमेंट करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग वो करनी पड़ेगी, यूनिवर्सल मास्क यूज़ और हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरत है, ये संभावनाएँ हैं कि हम जो है एक्टिविटी खुल भी जाएगी, क्योंकि लोग मास्क लगा के दुकानों पर चल जाएंगे, लोग हैंड सैनिटाइज़र लगा के दुकानों पर चल जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुलने के बाद भी वायरस रुक सकता है अगर ये सब कुछ पालन किया जाए तो। और ये COVID-19 ही नहीं बल्कि कई तरह की बीमारियों के लिए भी बचाव कर सकता है। आज ये ज़रूरी है कि फ्री और वाइडली अवेलेबल टेस्टिंग रहे, सपोर्ट सिस्टम रहे जो इन्फेक्ट हो चुके हैं, ताकि यूनिवर्सल अडॉप्शन इसका रहे, जिसको सिम्टम नज़र नहीं भी आ रहे लेकिन लग रहा है कि वो बाहर कहीं जाके आया है या विदेश से जाके आया है या उसने ऐसे लोगों के संपर्क में आया है जिससे उसको पॉजिटिव हो सकता है या इसके केसेस होने की संभावनाएं हैं, तो अगर फ्री टेस्ट होगा तो जाके चेक कराएगा। इसके लिए हॉटस्पॉट आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, वर्चुअल लॉकडाउन जो है होना पड़ेगा, एक तरीके से ऐसा नहीं है कम्प्लीटली लॉकडाउन लेकिन लोग घर में रह के काम करें तो कर सकें, नेशनल वाइड जो कर्व है उनको रिलैक्स करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए प्लान्ड ह्यूमेन प्लान्ड इंसानियत की नज़र से देखें तो सब कुछ हमको अवेलेबल करवाना पड़ेगा, फूड भी, मेडिसिन भी, इसेंशियल्स भी। मास गैदरिंग तो रोकनी ही पड़ेगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अभी भी रोकना पड़ेगा, फालतू की जो एक्टिविटी है मूवी टूर सोशल गैदरिंग्स ये सब हमको रोकना पड़ेगा, जरूरी सामान जरूरी चीज़ें जो हैं वो अलाउ कर दी जाए। वर्कर्स अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है
लेकिन अगर वो किसी शहर में जाना चाहते हैं या खेतों में जाना चाहते हैं, अपने गांव में जाना चाहते हैं, तो उनको पॉसिबल करवाना पड़ेगा। अब उसके लिए चाहे आप बाइसिकल यूज़ बढ़वाओ, चाहे कुछ बस लगवाओ, चाहे कुछ भी करवाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ हमको करना पड़ेगा। सेक्शंस एंड पेंडेमिक, इसमें बात हो रही है किस तरीके से अमेरिका ने मना कर दिया कि ईरान पे जो सेक्शंस हैं हम वो हटाएंगे नहीं, जब यूएसए खुद एक वेस्टर्न, अब देखो ईरान हमारा वेस्ट एशियन कंट्री, यूएसए इस कदर पेंडेमिक को झेल रहा है कि उसके डॉक्टर्स परेशान हो चुके हैं। ईरान जिसके पास पहले सेक्शन लगे हुए थे, इकोनॉमी इतनी थी नहीं, अब पेंडेमिक की मार उसको झेलनी पड़ रही है। यूएसए से जब पूछा गया कि सेक्शन हटा दोगे, तो ट्रंप ने मना कर दिया, यूएसए ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं हटाएंगे। तो इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इस इंसानियत के क्राइसिस में ईरान जो जूझ रहा है, इसको सबसे पहले मदद कैसे करनी चाहिए थी, इसके लिए यूएसए को सेक्शन हटाने चाहिए थे। आज हज़ारों की संख्या में इन्फेक्शन, हज़ारों की संख्या में जो मृत्यु हुई है, उसको रोकने के लिए सबसे पहले ईरान को अमेरिका से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ने मदद करने की बजाय ईरान पे सेक्शन नहीं हटाए। टू बी श्योर, ईरान फेल्ड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स इन द बैटल। ईरान ने कई डायमेंशंस में ये लड़ाई से वो हार चुका है, इकनॉमी में, हेल्थ में, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इसकी फैल हो चुकी है, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल अगर पॉलिसी की बात करो तो उसमें सरकार वहाँ पे पहले शुरू में सरकार ने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, बिजनेस में, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, लोग घूम रहे थे। जब इन्फेक्शन फैला तो जितना हेल्थ केयर उसका सुधार सकता था, वो हेल्थ केयर भी पीछे हो गया, क्राइसिस बढ़ता चला गया, सरकार के पास पैसा नहीं था, तो लोगों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो सकी। और फिर इन फेलर्स को सबसे बढ़ाने वाली जो चीज़ थी वो थी अमेरिकन सेक्शंस। आपको पता है पिछले साल अमेरिका ने, ट्रंप ने यूनिलेटरली, अच्छा 2018 से तो सेक्शन यूएसए पीछे हो गया, जो डील थी ना ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको जॉइंट कॉम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, 2015 में जो हुई थी P5 कंट्रीज़ के साथ, याद होगा आपको, यूएसए और ईरान के बीच में हुई थी, है ना, तो 2015 में हुई थी ओबामा के टाइम पे, 2018 में ट्रंप ने पुल कर लिया, पिछले साल इन्होंने सेक्शन लगा दिए। और इस तरीके से जो है कंट्री की, जो ईरान की जो इकोनॉमी है वो 8.7% तक गिर गई, प्राइसेस भी गिर गए तेल के, इसलिए ईरान का जो धंधा तेल से चलता था, जो पैसा आता था, वो भी अब नहीं आएगा। पेंडेमिक से और भी खतरे ईरान पे बढ़ चुके हैं, ईरान पे और भी पेंडेमिक की मार जो है बढ़ चुकी है। ये जो सेक्शंस बढ़े हैं, सेक्शंस अगर नहीं हटाए गए तो ये इम्पोर्ट भी नहीं कर पा रहा। यूएस ने सारी जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी, सब ने कहा सेक्शन हटा दो। द हिंदू में भी कई आर्टिकल आए थे जिसमें कहा था कि इस पेंडेमिक की समय में ईरान में जो सेक्शंस है हटा दो, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब देखो ऐसा है कि यूएस ने ये तो कह दिया कि ईरान में जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, जो मेडिकल सप्लाईज कोई देश अगर भेजना चाहता है तो भेज सकता है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि ग्लोबल बैंक्स डर रहे हैं कि यूएसए ने अलाउ तो कर दिया, लेकिन यूएसए अभी भी ईरान को दुश्मन मान रहा है, तो हमने ईरान की मदद की तो यूएसए हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा, तो इसलिए एक तरीके से ईरान शिकायत भी नहीं कर सकता और उसको मदद भी नहीं मिल पा रही, तो पेमेंट सिस्टम इसको सही नहीं मिल पा रहा, मदद इसको नहीं मिल पा रही, पैसे इसके पास है नहीं, इसकी इकोनॉमी डूब रही है, रिसोर्सेज इसके पास इतने हैं नहीं कि खरीद सके, कि बिजनेसेस को लुभा सके पैसे देके कि यूएसए छोड़ो आप हमारे पास आओ, पैसा भी नहीं है, सब कुछ इसको झेलना पड़ रहा है। यूएस में इतने सारे केसेस आए हैं, अभी भी अक्ल नहीं आई है कि इतने केसेस जो झेल रहा है यूएसए जैसी इकोनॉमी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, ईरान को क्या झेलना पड़ेगा। यूएसए ने भी शुरू में मजाक में लिया, लॉकडाउन नहीं किया, अब झेलना पड़ रहा है इसको। तो ट्रंप को ये समझना चाहिए कि क्राइसिस के समय में तेहरान पे से ये जो सेक्शन है, ईरान की जो राजधानी है तेहरान, तो एक तरीके से ईरान को संबोधित करते हुए बोला जा रहा है कि सेक्शन हटाए जाए, विदेशों से और देशों से इसको हेल्प मिले। ईरान के जो लीडर हैं उन्होंने भी बार बार कहा है कि हम किसी भी क्राइसिस से निपटने में हमारी कैपेबिलिटी है, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं है, ईरान को हेल्प मांगनी चाहिए, ईरान को भी अब जाके यूएसए हाथ बढ़ाना चाहिए, यूएसए ने भी एक बार अपनी जो पॉलिसी है पनिशमेंट की इसको रिकंसिडर करना चाहिए, ईरान की मदद करनी चाहिए, एटलीस्ट इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के समय में टेकिंग अ लॉन्ग व्यू ऑफ पेंडेमिक फाइट। इसमें बात हो रही है किस तरीके से जो है ये आगे जाके COVID-19 मदद कर सकता है। ट्यूबरकुलोसिस की मैं बात करूँ, टीबी की बात करूँ, तो 2018 में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी भारत में, 2,20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी ट्यूबरकुलोसिस में। एक चीज़ जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर हर साल इतनी बीमारियों से लाखों लोग अगर मर जाते हैं तो इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? कोविड 19 में ऐसा क्या है
कि इस पर इतना भयानक रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मौतें भी इतनी नहीं हो रही है। एक हार्ट अटैक से मरने के एक आदमी को ज़्यादा चांसेस है बजाय कोविड-19 के, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन जो दूसरी चीज़ मैं जो मानता हूँ वो ये है कि अमीरी को, अमीरों को भी इफेक्ट कर रहा है। जब ये रिच को कोई चीज़ इफेक्ट करती है तो सारी सरकारें सब कुछ जो है वो इसको रोकने में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं टीबी जो सिर्फ पुअर लोगों को इफेक्ट करती है मोस्टली, इस वजह से टीबी को नहीं रोका गया। 27% जो ट्यूबरकुलोसिस है भारत में वो ड्रग रेसिस्टेंस है, उनके लिए तो दवाइयाँ भी नहीं है। तो भारत सरकार ने क्या कोशिश की कि ड्रग्स बनाने की ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए, लेकिन कोविड-19 ने ये सबक दिया हमको कि मास्क, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, PPE, ये सब कुछ हमको तैयार करवाना पड़ेगा। अगर ये तैयार नहीं है तो आज तो कोविड-19 आया है, भगवान करे कल कोई और ना आए, लेकिन इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो। शुरू से जब हमारे इंसान ने जब वो शिकार करता था जानवरों का, जब आग जलाने की व्यवस्था इसने चालू की, खेती इसने स्टार्ट की, एक जगह ये रहने लगा, तब से ये आर्ट डेवलप हुआ, कल्चर डेवलप हुआ, डोमेस्टिक एनिमल से रखने लगा, जानवरों को पालने लगा, बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती गई और आज भी इसी तरीके से फैलती जा रही है। लेकिन अब पब्लिक को समझ में आ चुका है कि जानवरों के साथ खिलवाड़ करोगे तो इंसानों को भी भुगतना पड़ेगा। प्रकृति किसी को भी नहीं बख्शती। जो इन्फेक्शन जिस तरीके से फैल रहे हैं, अब लोगों को समझ में आ चुका है कि इनके साथ मजाक नहीं कर सकते। बीमारी कुछ इन्फेक्शन फैलाती भी है, इन्फेक्शस भी होती है, नॉन इन्फेक्शस भी होती है। कुछ बीमारी फैलती है बहुत तेज़ी से, कुछ नहीं फैलती, लेकिन हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटल वायरस, न्यूमोनिया, ये सबसे अब सरकार को, लोगों को मदद मिलेगी क्योंकि अब सब अवेयर रहेंगे। ये सब देखते हुए भारत को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। हाँ, कुछ टेम्प्ररी सोल्यूशन मिले हैं, प्रकृति साफ हो गई है, रोड ट्रैफिक अब खाली हो गया है, हवा साफ हो गई है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस स्टार्ट होएगा वैसे वैसे ये चीज़ें हटती जाएंगी। लेकिन लोग अब हाथ धोएंगे, हर बार हाथ धोएंगे, पब्लिक में थूकेंगे नहीं, शॉवर हमेशा लेंगे, नहाएंगे धोएंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे। तो एक तरीके से लंबे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं देखूं तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल इफ़ेक्ट लॉकडाउन का रहेगा। तो ये जो है बात हो रही है इस आर्टिकल में, ये बात कई आर्टिकल में हो चुकी है, इसलिए मैंने इसको आर्टिकल को पूरा नहीं पढ़ाया। आपका समय भी बहुत ज़रूरी है। अ डिफरेंट इकोनॉमिक अप्रोच, इसमें बात हो रही है कि इकोनॉमी के लिए क्या करें। देखो मैं आपको बताऊं, क्राइसिस तो चले जाएगा, इकोनॉमी का जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। तो ये आर्टिकल में जो बातें हैं वो भी कई आर्टिकल में बात हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि GDP और GVA में फ़र्क आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है। GDP क्या है? एक फैक्ट्री अगर मान लो 10 पैनकेक बॉक्स बना रही है 100 रुपये के, तो 100 रुपये की GDP हो गई। मान लो पूरे देश भर में 10 पैन बन रहे हैं 100 रुपये के, फाइनल जो निकल के आया प्रोडक्ट वो 100 रुपये का है। GVA क्या होता है? GVA होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब पेन का रॉ मटेरियल लाने में, पेन का बॉक्स लाने में। मान लो मुझे 100 रुपये में मान लो एक डब्बा बन रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल लाने में मेरे को 70 रुपये खर्च हो रहे हैं और 20-30 रुपये मैंने जो है मज़दूरों को दिए और 10 रुपये मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया। तो 70 रुपये का जो रॉ मटेरियल यहाँ पे खर्च हुआ, इसको हटा के देखें, बाकी जो 30 रुपये बचे ये आपका GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू कितनी ऐड की गई? इंटरमीडिएट जो रॉ मटेरियल लगा, इंटरमीडिएट जो मटेरियल लगा उसको हटा के अगर GDP में तो पूरा 100 रुपये आ गया। उसमें जो आपका रॉ मटेरियल भी जुड़ा सब देखेंगे। GVA में रॉ मटेरियल को हटाने के बाद कितना प्रॉफिट यहाँ पे बिजनेस जोड़ रहा है। प्रोडक्शन के नज़रिए से देखते हैं GVA में प्रोडक्शन कि कितना प्रॉफिट यहाँ पे जोड़ के चल रहा है प्रोड्यूसर, वो GVA होता है। तो GVA भी कम होगा, GDP भी हमारे कम होने की चांसेस हैं। हालांकि लोन वगैरह में छूट दी गई है, लेकिन अभी भी हमको जो है आगे का इकोनॉमिक का मसला झेलना पड़ेगा, इसके लिए सरकार को प्लान बनाना पड़ेगा। 10 क्वेश्चंस पोस्ट बाय वायरस, ये अच्छा आर्टिकल है, लेकिन ये पढ़ने से पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। 60 साल की उम्र के ऊपर जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन बूढ़े लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को जो
कम ज़्यादा उम्र के लोगों को इफेक्ट कर रहा है, अब डॉक्टर्स को भी इफेक्ट कर ही रहा है। देखा जा रहा है पूरी दुनिया भर में 20% डॉक्टर भी इन्फेक्ट हुए हैं, तो जो 60 के ऊपर के जो डॉक्टर्स हैं उनको रिटायर कर देना चाहिए। कई देशों में देखा जा रहा है कि जो बड़ी उम्र के जो रिटायर हो चुके जो लोग जो डॉक्टर्स उनको वापस लाया जा रहा है ताकि हेल्थ केयर को सुधार सके इस समय में। लेकिन अभी ये ज़रूरी है कि हम इनकी ज़िंदगियों को बचाएं, 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको नहीं आने दें, अभी ज़रूरी है, इनकी ज़िंदगी खतरे में ना डालें। 10 क्वेश्चन पोस्ट बाय वायरस, 10 क्वेश्चन जो ये वायरस हमारे सामने पेश करता है, ये 10 क्वेश्चन जो है ज़रूरी है क्योंकि इनमें से कोई भी मेंस में आ सकता है, संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, क्या सबके लिए अच्छा करना, जब सबके लिए हम अच्छा चाहते हैं तो कुछ के लिए बुरा हो, ये एक्सेप्टेबल है? जैसे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने बहुत ही जो विवादित स्टेटमेंट दिया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन कुछ लोग मरेंगे, यही ज़िंदगी है, अगर एक्सीडेंट होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कार फैक्ट्री बंद कर दो। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ही शुरू से ही ऐसे स्टेटमेंट देते हुए आए हैं, इन्होंने जंगलों में भी अमेजोन फॉरेस्ट पर भी ऐसे स्टेटमेंट दिए कि जंगल की वजह से हमारी इकोनॉमी रुकी हुई है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इन्वायरमेंट के खिलाफ हैं, कि इन्वायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट करना सही नहीं है, इकोनॉमी रुक जाती है, ऐसे स्टेटमेंट ये देखे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या इस सिचुएशन में कुछ डेथ्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, क्या सबकी खुशी के लिए कुछ लोगों की जान देनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन ये सोचो, इनके बारे में आंसर नहीं मिलेगा, इनके बारे में सोचो आप बैठ के। यूपीएससी की जो स्टडी है ना, जो प्रिपरेशन है, 6 घंटे पढ़ो आप, 18 घंटे सोचो, एग्ज़ाम क्लियर आपका। 24 घंटे पढ़ोगे तो भी गारंटी नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, लेकिन आप 6 घंटे पढ़ोगे और 18 घंटे सोचोगे, जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करोगे, क्वेश्चन करोगे, ऐसा क्यों हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर हो, स्टैटिक में कोई भी चीज़ हो, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए एनर्जी चाहिए, दिमाग चाहिए, आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए सोचो सोचो कि क्यों हो रहा है ये सब। दूसरा क्वेश्चन है नेशनल पावर, किस हद तक कोई पावर आगे जा सकती है। यूएसए में जो इतनी मिलिट्री और इकोनॉमी सुपर पावर थी, इसने क्या कर लिया पेंडेमिक को रोकने की, इसमें ज़रा भी जो है इसने सफलता नहीं दिखाई। आज जो भारत का जो मिडिल क्लास है वो पॉलिटिक्स में फंसा हुआ जा रहा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हमको उलझाए जा रही हैं पॉलिटिक्स में, इनसे बाहर निकल के हम क्यों हम नेशनल पावर को बिल्ड करें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, क्यों हम पॉलिटिक्स में फंसे जा रहे हैं। पावर सिक्योरिटी कैसे बढ़ेगी, क्या मिलिट्री वाइज बढ़ेगी, क्या कम्युनलिज्म से बढ़ेगी, नहीं, पावर सिक्योरिटी बढ़ेगी जब हम अंदर एकजुट रहे, एक साथ रहे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तीसरा क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन, क्या ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ी मुसीबत है, क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब हुआ है। देखो ग्लोबलाइजेशन, आप कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर की वजह से, अब देखो वायरस का अटैक अगर हो रहा है कुछ कंप्यूटर्स पे, बैंकों पे या फिर कहीं भी कंपनियों पे, मैं कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे कंप्यूटर्स को बंद कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, कंप्यूटर को अब जो है बैन कर देना चाहिए यूजिंग का। चीज़ें बनती अच्छे के लिए, लेकिन यूज करने वाला इनको गलत तरीके से कर जाता है। ग्लोबलाइजेशन हुआ लेकिन पेड़ों को जिस तरीके से काटा गया, जिस तरीके से लोग फैलते चले गए, बीमारियां फैलाते चले गए, जानवरों का ख्याल नहीं रखा, लालच बढ़ता गया, प्रकृति को विनाश करते चले गए, जंगलों का नहीं सोचा, ये सब जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ है, इंसानों की वजह से हुआ है। तो आज ज़रूरी है कि हम सब मिलके काम करें। तो ग्लोबलाइजेशन क्या ये पूछ सकता है मीन्स में कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या हैं, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन, एक स्टेट कितनी पावर एक्यूमुलेट कर सकता है। आपने देखा टर्की में जिस तरीके से वहाँ के जो लीडर है, किस तरीके से उन्होंने पावर इकट्ठी कर ली, प्रेसिडेंट उन्होंने कितना जो है आपको खुद को डिक्टेटर जो है बना दिया। अब वो कानून पास भी नहीं करे, डिक्री से काम चल जाएगा, उनके बोलने पर ही कानून बन जाएगा। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि चाइना और साउथ कोरिया या फिर कई जगह देखें तो इन्होंने ऑथोरिटेरियन मेजर लेके, डेमोक्रेटिक नहीं, स्ट्रिक्ट ऑथोरिटेरियन मेजर लेके पेंडेमिक को रोका है, तो इसका बहाना देते हुए पावर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे, ठीक है, तो ये चीज़ है कि इतना सब कुछ एक स्टेट कितना पावर एक्यूमुलेट कर सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पे स्टेट
हमारे जो हैं वो डेमोक्रेटिक बनते जा रहे हैं, ऑथोरिटेरियन बनते जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे जहाँ पे पब्लिक का राज हो, एक एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस हो, सब को सब लोग मिलते रहते हो, डजेंट मैटर क्या कास्ट है, क्या अमीर है, गरीब है, या धर्म क्या है, सब मिलजुल के रहते हो। चाइना सिंगापुर ने दिखाया जिस तरीके से ऑथोरिटेरियन मेजर्स काम करते हैं, लेकिन जर्मनी दिखाया कि डेमोक्रेटिक मेजर्स भी काम करते हैं, किसी को नुकसान ना पहुँचे। चाइना ने जिस तरीके से काम किया, पहले डॉक्टर्स को चुप कराने की कोशिश की, अब काम कर रहा है, तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन जर्मनी ने भी दिखाया कि डेमोक्रेटिक तरीके से काम हो सकता है। इटली और यूएसए बीच में फंस गए। इटली और यूएसए ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक को दे दी, इन्होंने पब्लिक खुले में घूमती रही, वायरस फैल रहा था, अब इनको जो है देखना पड़ रहा है। भारत ने क्या किया, भारत ने मिक्स कर लिया चाइना को और जर्मनी को, कई जगह ऑथोरिटेरियन मेजर भी अपनाए, कई जगह डेमोक्रेटिक भी, कई जगह हाथ भी जोड़े, तो कई जगह यहाँ पे पनिशमेंट भी मिली। सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारा है, तो फिफ्थ समझ में आ गया कि डेमोक्रेटिक की तरफ जा रहे हैं या ऑथोरिटेरियन की तरफ हम जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इनको ध्यान रखना, सोचो इनके बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये जो नई विजडम निकल के आ रही है नियो लिबरल, ये किस तरीके से हमको प्रोग्रेस लाएगा। नियो लिबरल मतलब, नियो लिबरल का मतलब ये है, लिबरल मतलब आज़ादी, नियो लिबरल नई आज़ादी। किस तरह की नई आज़ादी, आजकल लोग चाहते हैं कि वो घूमें फिरे, मन मर्जी का बिजनेस करें, प्यार करें, जहाँ मर्जी वहाँ जाएं, रोके टोके नहीं। ये जो नियो लिबरलिज्म है, ये किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेगा। भाई आज अगर आप देखो तो कंपटीशन करना बहुत रिस्की हो गया, आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। चाइना इंडिया से लड़के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, इंडिया ईरान से लड़के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, यूएसए ईरान लड़के आपस में नहीं बढ़ सकते। तो हमें कलेक्टिविज्म की तरफ जाना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, इसी वजह से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, तो ये समझ में आ गया सिक्स्थ क्वेश्चन, कि हमको जो है मिलके यहाँ पे काम करना पड़ेगा, कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। सेवन्थ क्वेश्चन ये है कि पॉपुलिज्म का क्या होगा, पॉपुलिज्म क्या होता है, पॉपुलिस्टिक लीडर्स क्या होते हैं, पॉपुलिस्ट क्या होते हैं। पॉपुलिस्ट वो लीडर्स होते हैं जो जनता को उकसाने के लिए, जो वोट बैंक पे काम करते हैं, जैसे भारत, जैसे कुछ पार्टीज़ होती है ना जो जनता को कुछ प्रलोभन देती है, ऑफर देती है कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हमें वोट दो। हो सकता है जनता के भले के लिए वो नहीं हो, शॉर्ट टर्म में लगे, लेकिन लोगों को लुभाने के लिए। तो जो पॉपुलिस्ट लीडर्स अब तक निकल के आए थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, जो नौकरियां देने की लालच देके जीत के आए थे, इन्वायरमेंट पे इन्होंने फोकस नहीं किया, इंटरनेशनली यूएसए को पता नहीं कहां ले गए, अफगानिस्तान से पीछे हट गए, टर्की ये सीरिया से पीछे हट गए, चाइना इनसे आगे निकल चुका है। ये सब देखते हुए लग रहा है कि ये एक पॉपुलिस्ट लीडर थे, और जब क्राइसिस का समय आता है तो ये दूसरी कंट्रीज़ को ब्लेम करते हैं, जैसे चाइना को कर रहे हैं कि चाइना की वजह से आया। अरे चाइना की वजह से तो आया, लेकिन आप रोकने के लिए किए क्या? तो ये पॉपुलिस्ट जो लीडर्स हैं, जो केवल लालच दे के सत्ता में आते हैं, वो ऐसे टाइम पे जब क्राइसिस होता है अपनी कैपेबिलिटी नहीं दिखा पाते। और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि आपकी कैपेबिलिटी तब नज़र आएगी, किसी लीडर की कैपेबिलिटी तब नज़र आएगी जब कोई चैलेंज होगा, ठीक है। वो केवल अपने एजेंडा बढ़ाते हुए चले जाते हैं और दूसरी कंट्रीज़ पे अपनी ताकत बढ़ाते हुए चले जाते हैं, वो ऐसे टाइम पे पब्लिक की हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जो पॉपुलिस्टिक जो मेजर्स हैं, पॉपुलिस्टिक जो लीडर्स हैं, क्या वो इन सबको सोल्व कर सकते हैं आगे, क्या वो पेंडेमिक को सोल्व करने की ताकत रखते हैं? ये तो कोविड-19 के बाद ही पता चलेगा किसने कितना किया। एट्थ क्वेश्चन है इनह्यूमन एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन किसका? लेबर का। ग्लोबलाइजेशन हुआ, कंपनीज फैल रही थी, मजदूरों का ख्याल नहीं रखा जाता, 12-14 घंटे काम किया जाता है, हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कंज्यूमरिस्टिक सिडक्शन बढ़ रहा है, ग्राहकों को लुभाया जा रहा है, तरह तरह की डिस्काउंट देके, तरह तरह की चीज़ें एडवर्टाइजमेंट्स देके, ये शेम बन चुकी है कि आज जो हेल्थ केयर है, जिस तरीके से यूएसए में अगर देखें जो वर्कर्स हैं उनको पैसा नहीं मिलता, हेल्थ केयर डिसरप्ट हो चुकी हैं। वर्कर्स अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपको पता है किस तरीके से घर पे जाने पे विवश हो चुके थे, वर्कर्स फंस गए थे, बीच में फंस गए थे, केमिकल छिड़का गया, घर नहीं जा पाए, रोड पे 200-200 किलोमीटर चल के वो राज्य में गए। तो ये जो इनह्यूमन एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ये कब तक चलेगा,
क्वेश्चन ये है कि इनह्यूमन जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये कब तक होएगा, कब ये रुकेगा। नाइन्थ क्वेश्चन ये है कि क्या हमको ट्रैवल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस हैं कि क्या दुनिया में अब ट्रैवलिंग जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो इनके कारण क्या है और क्या क्या इसका इफेक्ट होगा। 2019 के दिसंबर में एंड में जब ये वायरस फैलने लगा, लोग घूम रहे थे, बेवजह घूम रहे थे, जिनको घूमने का शौक है घूम रहे थे। यूके की जो कमेटी की क्लाइमेट चेंज थी उन्होंने कहा कि भैया घूमना बंद कर दो, लंबी लंबी उड़ाने लेना बंद कर दो, एक्सेसिव फ्लाइंग बंद कर दो, जो स्कीम्स हैं डिस्काउंट वाली, ऐसी स्कीम्स जो लोगों को ट्रैवलिंग करने पे मजबूर करती हैं वो रोकी जाएं, नो फ्लाई मूवमेंट यहाँ पे रहे। क्यों भाई, आपको जो ज़रूरी है बिजनेस ट्रिप वही करो, और वो भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हो तो क्यों जाना बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो, ट्रैवलिंग कम से कम हो, और ज़रूरी ये हो, एक क्वेश्चन है इसका जवाब आप दो कि ट्रैवलिंग रुक जाएगी तो इकोनॉमी भी रुक जाएगी, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री रुक जाएगी, एयर इंडस्ट्री को नुकसान होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को नुकसान होगा, और जो हमारे देश में जो टूरिज्म इंडस्ट्री भारत में जो 10% जीडीपी वो लाता है, 9% जीडीपी टूरिज्म इंडस्ट्री लाती है, 10% इंडस्ट्री 10% एम्प्लॉयमेंट टूरिस्ट इंडस्ट्री लाती है। टूरिस्ट इंडस्ट्री की वजह से हमारा इतना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बढ़ रहे हैं। अगर टूर रुक जाएंगे, लोग अगर केवल बिजनेस के ट्रिप से जाएंगे तो कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे जो है ये लोग जो मजदूर हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री है, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है, होटल है, रिजॉर्ट्स हैं, ये कैसे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर एक नहीं हो सकता, हाँ या ना में नहीं हो सकता, सोचना पड़ेगा। नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, सोचो। टेंथ क्वेश्चन ये है, तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पे आप दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं, कितना ज़रूरी हम कर सकते हैं। हाँ ये कह सकते हो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो, ट्रैवलिंग करो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, प्रकृति को नुकसान ना हो, जानवरों को नुकसान ना हो, गरीबों को नुकसान ना हो, क्योंकि लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो प्रिविलेज्ड हैं वो तो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से जो ये बीमारियाँ विदेशों से लाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको ये सब कुछ झेलना पड़ता है, उनको जो है माइग्रेशन करना पड़ता है, बीमारी से जूझना पड़ता है, इनके पास कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन ये है कि क्या कम्युनिटी की जो बाउंड्री है, कम्युनिटी या बाउंड्री का जो आइडिया है वो बदल चुका है, क्या अब कंट्रीज़ अपने बाउंड्रीज़ को सील कर देंगी, क्या माइग्रेंट्स को लेकर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एक तरफ हम कहते हैं घर में रहो, बाहर मत निकलो, एक तरफ रहते हैं सब मिलजुल के इस क्राइसिस से झेलेंगे, लड़ेंगे, सब एक हैं, सब मिलके रहेंगे, कैसे, सब अलग थलग हैं। लेकिन इसके लिए आप ये कर सकते हो कि फिज़िकल हम अलग अलग हैं लेकिन मेंटली सब जुड़े हुए हो। ये सोचो आप कि क्या बाउंड्री का जो आइडिया है चेंज हो चुका है, इसकी वजह से न्यू लिबरलिज्म जो आया, मैंने आपको बताया, क्या ह्यूमन इंट्रैक्शन अब कम से कम होंगे, शॉर्ट टर्म में क्या, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज को हम कैसे सोल्व करेंगे, सस्टेनेबल अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल हमारा हो कि हम खुद को रोके रखें, ज़्यादा ट्रैवल ना करें, नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं, तो क्या हम ये सब जो आने वाली जो मुसीबतें हैं उनको हम रोक सकते हैं। यही चैलेंज आज पेंडेमिक के फेस कर रहा हमको दे रहा है। तो ये गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।